कांग्रेस और उसके साथी शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे नक्सली अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी वे भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है, कैसा झूठ कैसा। और एक तरफी मैं एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था जिसमें मीडिया के लोगों से पूछ रहे थे कि ये जरा बताइए भाई डिटेंशन सेंटर कहां बना है, आपको पता है क्या। तो सामने वाले उनको पूछ रहे थे कि हमने तो सुना है इसलिए कह रहे हैं, सुना है तो किस लिए है, कोई जवाब नहीं, झूठ चलाया जा रहा है। अरे भाई कुछ तो अपनी शिक्षा की कदर करिए, एक बार पढ़ तो लीजिए कि संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या। आप तो पढ़े लिखे लोग हो, मैं देश के नौजवानों को आग्रह करता हूं जरा पढ़िए इसको। अब भी जो भ्रम में है मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं तो हैरान हूं कि ये लोग झूठ बोलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कुछ लोग सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट को गरीबों के ही खिलाफ बताते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हक छीनने लेंगे। अरे झूठ फैलने से पहले इन कम से कम गरीबों पर तो दया करो भाई। एक ही पार्लियामेंट के सत्र में मोदी गरीबों को घर देने का कानून लाता है, अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत बनाने का काम करता है, क्या उसी सत्र में गरीबों को छीनने की बात करेगा? क्या झूठ फैला कर रखा है? भाइयों बहनों ये जो एक्ट लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं, किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। जो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के धार्मिक कारणों से परेशानी जो हुई, प्रताड़ना जो हुई, उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाथ में थमा यह तिरंगा इन लोगों को और
ये मेरी बात उन तक पहुंचनी चाहिए। हाथ में तिरंगा लेकर के जो खड़े हैं वो अब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज उठाने की पहल करेंगे, प्रेरित करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? पाकिस्तान के करतूतों के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं है? यही है कसौटी, यही है कसौटी। तिरंगा उठाना हमारा अधिकार है, लेकिन हाथों में आया तिरंगा जिम्मेदारियां भी लेकर के आता है। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत से गुटबाजियों ने आज बाहर निकलकर किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सच क्यों नहीं बताते हैं? भाइयों बहनों, उन्हें डर लग रहा है कि उनकी सच्चाई अब सामने आ जाएगी। साथियों, रिफ्यूजी का जीवन क्या होता है? बिना किसी कसूर के अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है, ये दिल्ली से बेहतर कौन समझ सकता है? यहां का कोई कौन ऐसा नहीं है जहां बंटवारे के बाद किसी रिफ्यूजी का, बंटवारे से अल्पसंख्यक बने भारतीय का आंसू न गिरा हो। सड़क पर हो रहा ये का बवाल उनके आंसुओं का अपमान है या नहीं है? उनके दर्द पे तेजाब छिड़कने वाला पाप है कि नहीं है? साथियों, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे तीन पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक दो अत्याचार की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है।